रही है, पटना से राजधानी एक्सप्रेस और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस आज खुलने वाली है। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आपको बताएं कि बिहार में किस तरह से तोड़फोड़ चल रहा है। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ आग लगी हुई है। 12 से 15 ट्रेनों को जला दिया गया, दर्जन भर से ज्यादा ट्रेनों को जला दिया गया और सब पूरी तरह से अगर कहा जाए रेल परिचालन ठप हो गया। आज 348 ट्रेनें रद्द की गई हैं, बिहार से गुजरने वाली या फिर बिहार से खुलने वाली। इसमें ज्यादातर ट्रेनें जो हैं बिहार से खुलने वाली ट्रेनें हैं जिन्हें रद्द कर दिया गया। दरअसल आज भारत बंद था और भारत बंद की वजह से देखते हुए इन ट्रेनों को रद्द किया गया। और पिछले दिनों भी जाएं, अगर पीछे भी जाकर देखें तो पिछले 3-4 दिनों से जिस तरह से अग्निपथ के विरोध में लगातार प्रदर्शन हो रहे थे, ट्रेनों को जलाया जा रहा था, स्टेशनों पर तोड़फोड़ की जा रही थी, ऐसे में ट्रेनों की का परिचालन सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। यात्री अभी भी कई स्टेशनों पर भटकते नजर आ रहे हैं। दूर दराज के यात्रियों की परेशानी बढ़ गई। दरअसल बिहार में जिस तरह से लखीसराय या समस्तीपुर में लंबी दूरी की ट्रेनों के यात्रियों को उतार कर ट्रेनों में आग लगाई गई, तो ऐसे में यात्रियों की परेशानी बढ़ना स्वाभाविक थी। तो यहाँ स्थानीय तौर पर जो लोग को यात्रा करनी है, तमाम लोग अपनी यात्राएं कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको राहत भरी खबर बता रहे हैं। दरअसल रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है, अब आज शाम से ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। हालांकि 348 बड़ी संख्या में, यानी 300 से भी ज़्यादा ट्रेनों को कैंसिल किया गया जो बिहार से खुलती हैं या बिहार से होकर गुजरती हैं। लेकिन रेलवे का एक फैसला जो आया था जिसमें रात में ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया था, तो अब थोड़ी राहत भरी खबर यह है कि पटना से आज रात राजधानी एक्सप्रेस और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस रवाना होगी। यानी दिल्ली जाने की तैयारी में अगर आप हैं तो आपके लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि संपूर्ण क्रांति और राजधानी एक्सप्रेस आज पटना से रवाना होने वाली है। आपको बताएं कि ट्रेनें लगातार रद्द हैं, उस बीच जो है इन दो ट्रेनों को रिस्टोर किया गया है। आपको बताएं कि राजेंद्र नगर से नई दिल्ली जाने वाली 12309 राजधानी एक्सप्रेस और 12393 संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस आज से चलाई जाएंगी। हालांकि इनकी टाइमिंग में परिवर्तन किया गया है। आपको बताएं कि जो पूर्व मध्य रेलवे के CPRO हैं वीरेंद्र कुमार ने इसकी पुष्टि की है और बताया है उन्होंने कि 12309 राजधानी एक्सप्रेस को राजेंद्र नगर से रात 8 बजे और ठीक 15 मिनट के बाद 12393 संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस को रात 8:15 पर खोला जाएगा। तो दिल्ली जाने के लिए तैयारी कर लीजिए, अपना लगेज बांध लीजिए, क्योंकि आज से अब ट्रेनों को हरी झंडी मिलना शुरू हो जाएगी। आज दरअसल भारत बंद के दौरान प्रदर्शन जो हुए उसमें इतनी उग्रता देखने को नहीं मिली, स्टेशनों पर हमले नहीं हुए। लेकिन पिछले दिनों की बात करें तो दानापुर स्टेशन पर जबरदस्त तोड़फोड़ किया गया था। उसके अलावा दानापुर ही नहीं, छपरा, कैमूर, गोपालगंज जैसे तमाम स्टेशनों पर ट्रेनों में आगजनी की गई, ट्रेनों को आग के हवाले किया गया था। तो अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। हालांकि सेना की तरफ से साफ कह दिया गया है कि जो अग्निपथ योजना है उसे वापस लेने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो विरोध की गुंजाइश फिलहाल अभी भी बनी हुई है, लेकिन अब रेल परिचालन को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। सबसे ज़्यादा बिहार पे ही असर था। आपको बताएं, बिहार ही नहीं, बिहार के अलावा पड़ोसी राज्य झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में जो है रेल परिचालन पर बड़ा असर पड़ा था। दरअसल ये जो ट्रेनें हैं बिहार से होकर गुजरने वाली और यूपी, असम, बंगाल को जाने वाली जो ट्रेनें हैं वो तमाम ट्रेनें रद्द की गई थी। तो आज अब शाम के बाद राहत मिल सकती है। और हमने आपको बताया कि दो बड़ी ट्रेनें जो सबसे महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं जो पटना से राजधानी दिल्ली को जाती हैं वो खुलने जा रही है, यानी राजधानी एक्सप्रेस और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस का परिचालन किया जाएगा। एक बार फिर बता दें आपको, 8 बजे राजधानी एक्सप्रेस राजेंद्र नगर टर्मिनल से खुलेगी, जबकि 15 मिनट बाद संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस को खोला जाएगा। तो राहत बड़ी खबर है, थोड़ी सांस लीजिए राहत की। लेकिन फिलहाल ट्रेनों का परिचालन अभी धीरे धीरे ही किया जाएगा, यानी रात्रि में ये परिचालन होगा, रात में ही ट्रेनों को खोला जाएगा। और अब ये सिलसिला फिलहाल आज और कल तक चलता रहेगा और उसके बाद जब स्थिति सामान्य होगी तो अन्य ट्रेनें भी सामान्य तौर पर चलाई जा सकेगी। जिसमें जो ट्रेनों को रद्द किया गया जिसमें बड़ी संख्या में पैसेंजर ट्रेनें हैं, तो ऐसे में पैसेंजर
ट्रेनों को फिलहाल तो अभी चलाया नहीं जा रहा है क्योंकि दिन में ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह ठप है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।